फ्रेंड्स, एसएससी शेड्यूल में आपका स्वागत है। मैं स्माइली, आई होप कि आप लोग बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संयोजक क्रिया विशेषण। तो आइए देखते हैं कि संयोजक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। ये संयोजक क्रिया विशेषण जो है ये प्रयोग के आधार पर, क्रिया विशेषण के भेद में प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है संयोजक क्रिया विशेषण की परिभाषा कि जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण क्या कह रहा है कि जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। संयोजक क्रिया विशेषण में कि क्या कह रहा है, विशेषणों का संबंध, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखते हैं कि जहाँ पर अभी समुद्र है, जहाँ पर अभी वहाँ पे कभी जंगल था, ठीक है। संबंध क्या है, उपवाक्य से जुड़ रहा है, उपवाक्यों में हो रहा है कि जहाँ पर अभी समुद्र है, मतलब जहाँ पे अभी समुद्र है वहाँ पे कभी क्या जंगल था, ठीक है। जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था, जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था, मतलब इस जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे पहले क्या हुआ करता था, घर हुआ करता था, ठीक है। जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊँगा, जहाँ तुम जाओगे, तुम जहाँ जाओगे वहीं मैं जाऊँगा। तो ये क्या कर रहा है कि क्रिया विशेषण का संबंध क्या हो रहा है कि उपवाक्य से जुड़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, संयोजक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।